वहीं जरमुंडी प्रखंड के बीआरसी कार्यालय का मुख्य दरवाजा तोड़ चोरों ने 2 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बीआरसी भवन में बीती रात्रि प्रहरी की प्रतिनियुक्ति थी, लेकिन घटना के समय रात्रि प्रहरी रहते हुए चोरी की घटना को कैसे अंजाम दिया गया, यह जांच का विषय है। वहीं घटना के संबंध में बीईओ छक्कूलाल मुर्मू ने बताया कि आदेश पाल मोहन मुर्मू द्वारा दूरभाष पर चोरी की घटना की जानकारी मिली। सुबह हमको भगवान जी फोन किया कि सर बीआरसी में चोरी हो गया, ताला तोड़ दिया है चोर सब। तो मैंने पूछा कि क्या क्या चोरी हुआ, बोला कि सर आपका कार्यालय का उत्तर दक्षिण का ताला टूटा हुआ है, ऊपर में देखिए जहाँ आलोकित रहा था वहाँ भी टूटा हुआ है, और तो कंप्यूटर रूम में गए तो वहाँ बोला कि कंप्यूटर का 2 गो सेट मैंने CPU और एगो मोनिटर नहीं है और एगो बैटरी नहीं है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुतीब्रो गोस्वामी हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। सुतीब्रो, चोरी का मामला सामने आ रहा है, ये क्या कुछ जानकारी है? चोरी हुआ है लगभग 2 लाख का चोरी हुआ, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि बीआरसी में चोरी हुआ है, इससे पहले कई मर्तबा बीआरसी में चोरी हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन का कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसके कारण अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है और चोरों को नहीं पकड़ा गया है। जी, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? पुलिस का कहना है कि छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कई बार ऐसा चोरी हो चुका है बीआरसी में, लेकिन अभी तक कोई भी चोर पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन इस बार कह रहा है कि कार्रवाई होगा, जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाएगा। अब देखना है यही है कि क्या होता है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।